मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को हराकर अस्पताल से अपने घर आ गए हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही करने पर ये बीमारी जानलेवा हो जाती है। चिरायु अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस मौके पर अस्पताल परिसर में उन्होंने सभी कोरोना योद्धाओं को प्रणाम किया और मेडिकल स्टाफ को हृदय से धन्यवाद दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही करने पर यह बीमारी जानलेवा हो जाती है। लक्षणों को छिपाना जानलेवा है। चिंता ना करें, मस्त रहें, आनंद से बीमारी का मुकाबला करें। चेहरे पर मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाए रखें। शिवराज सिंह ने कहा, लापरवाही करने पर दिक्कत होती है, हमने भी लापरवाही की, कोरोना से संक्रमित हो गए। मैं खुद कोरोना योद्धा बन गया हूँ। कोरोना खत्म करने के लिए सभी सहयोग करें। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हमारा संकल्प, कोरोना से प्रदेश जीतेगा और देश जीतेगा। इसके लिए प्रदेशवासियों से मैंने अपील की है, करता हूं, कि मास्क लगाएं, दो गज की दूरी रखें, हाथ साफ करते रहें, साबुन से, सैनिटाइजर से, ये कोरोना हमारे पास फटक नहीं सकता। कोरोना लापरवाही से ही आता है, ये लापरवाही ना करें। मैं अब खुद कोरोना योद्धा हूं, निकल के आया हूं, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश ने इलाज की, सरकार ने इलाज की पूरी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन इलाज की नौबत क्यों है? इसलिए भीड़ नहीं, न बाजारों में कोई आयोजन नहीं। हमने राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर भी 14 अगस्त तक प्रतिबंध लगाया है। भीड़ इकट्ठी हुई तो हमने संकट को निमंत्रण दिया। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, सहयोग कीजिए मेरे बहनों और भाइयों, इस बीमारी को मारने में, कोरोना को समाप्त करने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। मत लगाइए भीड़, मत कीजिए बड़े आयोजन, रैली, सभाएं, भीड़ भरी शादियां, इससे हमको परहेज करना पड़ेगा। ये समय की मांग है। मैं फिर एक बार जो पेशेंट्स हैं उनको फिर कहना चाहता हूं, कोरोना लाइलाज बिना बीमारी नहीं है। संकल्प हमारा, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। प्रदेश जीतेगा, देश जीतेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर सभी कोरोना वॉरियर्स को, जिस शिद्दत से सेवा की कर रहे हैं वो पेशेंट्स की, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। आपके साथ मिलकर ही हम कोरोना को मध्य प्रदेश की धरती से समाप्त करके चैन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।